वेलकम दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई और फ्रेश वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा आप ओप्पो के मोबाइल में इंटरनेट सेटिंग कैसे कर सकते हैं। हमारा इंटरनेट बिल्कुल वर्क ही नहीं कर रहा होता, आज वो सेटिंग बताऊंगा और साथ में आपको बताऊंगा आप इसमें 4G 3G कैसे चला सकते हैं। तो लेट्स गो, शुरू करते हैं दोस्तों। सिंपली सा आपने देखें, मैं ऑन करता हूँ इंटरनेट तो मेरा ऊपर इंटरनेट नहीं चल रहा, तो इसके लिए हमारी सेटिंग पहले करनी पड़ेगी। मैं ऑफ़ कर देता हूँ इसको। तो मैं जाता हूँ सिंपली सा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आप देख सकते हैं एरोप्लेन मोड, वाईफाई, ब्लूटूथ, आप यहाँ पे देखते हैं ड्यूअल सिम एंड सेलुलर डाटा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने सिम वन लिखा होगा, अगर आप दो सिम में यूज़ कर रहे हैं तो आपने जिस सिम का नेट सेटिंग करनी है आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे मैंने अब सिम वन लिखा हुआ है, मैं सिम वन पर क्लिक कर देता हूँ। सिम वन पर क्लिक करने के बाद आपने नीचे देखना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेस पॉइंट लिखा हुआ है, आपने एक्सेस पॉइंट पे क्लिक कर देना है। एक्सेस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी किस्म की सेटिंग नहीं आ रही। अगर यहाँ पे किसी किस्म की सेटिंग आ भी रही होगी तो फिर भी हम न्यू सेटिंग ही करेंगे, पुरानी सेटिंग से गुजारा नहीं हो रहा होगा हमारा। तो हमने प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ हमारे इस तरह से मेन्यू खुल जाएगा, न्यू APVN। आप जिस भी नेटवर्क की सिम यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं अब इसमें कर रहा हूँ जोंग, आपने फर्स्ट में यानी कि आप कर रहे हैं एयरटेल, जायज, मूबलिंक, जो भी आपने फर्स्ट में उसका नेम लिखना है। मैं अब जोंग यूज़ कर रहा हूँ, मैं जोंग लिख लूँ। अगर मैं जियो कर रहा होता तो मैं यहाँ पे जियो लिखता, एयरटेल कर रहा होता तो अगर मैं यहाँ पर एयरटेल लिखता। अब मैंने सिंपली सा जोंग लिखा है, ठीक है। जोंग करने के बाद ओके कर देते हैं। अब नीचे आप देख सकते हैं APVN, आपने APVN पर क्लिक करना है। यहाँ पर भी आपने सेम पहले नेटवर्क का नाम लिख लेना है, जैसे मैं फिर से जोंग लिख लेता हूँ। जोंग लिखने के बाद आपने आगे इंटरनेट डाल देना है, इंटरनेट, ठीक है। यहाँ पर आपने एक्स्ट्रा ऐड करना है इसमें इंटरनेट, ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने यहाँ से फिर ओके कर देना है, तो हमारी कुछ इस तरह से सेटिंग बन जाएगी, ठीक है। जैसे ये सेटिंग बन जाएगी तो हमने ऊपर से नेट ऑन करना है मोबाइल डाटा से। मैं इंटरनेट ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं मोबाइल डाटा ऑन करने पर तो देख सकते हैं हमारा 4G ऊपर से ऑन हो चुका है। तो हम कहते हैं भाई हमारा 4G 3G सब इसमें चले, तो हमने सिंपली सा बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप यहाँ पर देखते हैं प्रीफिट नेटवर्क टाइप, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर दोबारा क्लिक करना है, आप यहाँ पे देखते हैं 3G 2G 4G सब आ रहा होगा। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी यहाँ पर 3G चल पड़ेगी, देखें अब एक सेकंड लगेगा तो यहाँ पर मेरी 3G का ऑप्शन आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3G चल रही है। मैं कहता हूँ 4G चले, 2G चले तो मैं 4G पर जाने पर क्लिक कर दूँगा तो मेरी यहाँ से 4G चलनी पड़ेगी। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।